महाराष्ट्र के चना उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी है। ऐसे किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा हुई है। असल में चने की MSP पर खरीदी जारी है, लेकिन पूर्व तक सरकार की तरफ से कुछ नियम बनाए गए थे, जिसके तहत MSP पर किसान सिर्फ 5 क्विंटल चना ही बेच सकते थे। ऐसे में महाराष्ट्र के किसानों की परेशानियां बढ़ गई थी। किसानों का कहना था कि इस साल चने के उत्पादन में भारी गिरावट हुई है, लेकिन MSP खरीदी केंद्र में वह सिर्फ 5 क्विंटल ही चना बेच सकते हैं, बाकी उत्पादन के भाव उन्हें नहीं मिल रहे हैं। किसानों की इस समस्या को देखते हुए MSP में चना खरीदी की सीमा को हटा दिया गया है। अब किसान 5 क्विंटल से अधिक चना भी MSP पर बेच सकेंगे। यह बदलाव महाराष्ट्र के सोलापुर, वाशिम और औरंगाबाद जिलों की खरीदी सेंटर में किया गया है। अब इन 3 जिलों के किसानों को अपनी पूरी उपज बेचने का मौका मिलेगा। कृषि विभाग द्वारा फसल की कटाई से पहले उसके उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है। उसी अनुमान के अनुसार खरीदी केंद्र पर कृषि उपज भी खरीदी जाती है। ऐसे में निर्धारित उत्पादकता से अधिक उपज होने पर अभी तक उसकी खरीद नहीं की जा रही थी। कृषि विभाग को अनुमान था कि इस बार एक किसान अधिकतम 5 क्विंटल तक का उत्पादन करेगा। इसके अनुसार खरीदी केंद्र पर खरीदी का नियम रखा गया, लेकिन इस साल चने का उत्पादन बहुत अधिक हुआ है। ऐसे में किसानों को खरीदी केंद्र पर उपज बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। वर्तमान में सरकार द्वारा स्थापित एक खरीदी केंद्र के लिए दर 5230 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। वहीं खुले बाजार में चना 4600 रुपये में मिल रहा है। उच्च उत्पादकता नियम के कारण किसान चना को खरीदी केंद्र पर नहीं बेच रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को 600 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा था। अब जब नियम में बदलाव कर दिए गए तो किसान अपनी पूरी उपज खरीदी केंद्र पर बेच पाएंगे। इससे किसानों को अब उच्च दरों से लाभ होगा। राज्य में मार्च से चना खरीदी केंद्र स्थापित किया गया है, लेकिन नियम और शर्तों के कारण किसानों ने खुले बाजार में चना बेचना पसंद करा। हालांकि खुले बाजार के मुकाबले खरीदी केंद्र पर अच्छे रेट मिल रहे थे, लेकिन कीमतों में अंतर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद किसानों ने खरीदी केंद्र की ओर रुख किया था। लेकिन यहां उत्पादकता नियमों के कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अब जब मार्केटिंग बोर्ड ने इस समस्या को दूर किया है तो केंद्र से राजस्व में वृद्धि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।